असम सरकार ने नया मुस्लिम विवाह कानून पारित किया है। इसके तहत राज्य में समुदाय के लोगों के सभी विवाहों और तलाकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक 2024 का मकसद बाल विवाह पर रोक लगाना, दोनों पक्षों में सहमति सुनिश्चित करना, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और बहुविवाह पर रोक लगाना है। मुस्लिम विवाहों के पंजीकरण के इस नए कानून के तहत अब काजियों या मुस्लिम स्कॉलरों को विवाहों का पंजीकरण करने की जरूरत नहीं होगी, जबकि पुराने कानून के तहत ये अनिवार्य था। बेसिक पॉइंट ये है कि ये जो मेनली जो निकाह का बाद है, वो निकाह एस पर इस्लामिक लॉ बोर्ड का हिसाब से होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसमें खाली एक नया एड हो गया है जो आप लोग काजी से निकाह कर सकेगा, लेकिन काजी रजिस्टर नहीं कर सकेगा। फॉर रजिस्ट्रेशन आपको सब रजिस्टर में या ब्लॉक में, ऐसा कुछ एक नियम उसमें डिटेल लॉ में आएंगे, वो आपको पता चल जाएगा। सभी मुस्लिम विवाह और तलाक असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 के तहत रजिस्टर्ड किए गए थे। इस पुराने कानून ने राज्य सरकार के अथोराइज्ड काजियों को विवाह और तलाक रजिस्टर्ड करने की इजाजत दी थी। नए विधेयक के तहत मुस्लिम विवाह का रजिस्ट्रेशन तभी हो सकेगा जब शादी के वक्त महिला की उम्र कम से कम 18 साल और पुरुष की उम्र कम से कम 21 साल हो। इसके अलावा शादी में दोनों पक्षों की सहमति होनी भी जरूरी है। मेरे चिंता तो वो बात के है कि कैसे वो लोग जो सरकारी पदाधिकारी उनके पास जाएंगे, लेकिन कानून में जो व्यवस्था लिया गया उसमें मुझे कहने का कुछ नहीं है। लेकिन ये सब रजिस्टर तक, सरकारी पदाधिकारी तक जाना, क्योंकि एक ब्लॉक में एक ही, कोई कोई ऐसा भी ब्लॉक है जिसमें कोई रजिस्टर नहीं है, तो ये मुश्किल होगा गरीब लोग के लिए, अनपढ़ लोग के लिए, जो इकोनॉमिकली वीक है उनके लिए मुश्किल होगा, ये मेरा कहना है। हालांकि काजियों की तरफ से कराई गई मुस्लिम शादियों के सभी पिछले रजिस्ट्रेशन वैध रहेंगे। नया कानून केवल कानून के दायरे में आने वाली नई शादियों पर लागू होगा। नया कानून रजिस्ट्रार को बाल विवाह के खिलाफ रिपोर्ट करने का अधिकार देता है। दूसरी ओर पुराने कानून में कम उम्र में विवाह के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। अक्सर